जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लिए टॉनिक, आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन, इस चीज़ को आप कह सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों को बहुत सारे तरीके के वैक्सीनेशन दिलवाते हैं। आजकल बहुत सारे वैक्सीनेशन मार्केट में आ गए हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ना जाने कितने तरीके के वैक्सीन हम अपने बच्चों को जन्म के समय दिलवाते हैं। तो पहले के टाइम भी वैक्सीनेशन होता था, पर उसका जो प्रोसेस था वो बहुत अलग था, और जो वैक्सीनेशन होती थी वो आयुर्वेदिक होती थी, नेचुरल होती थी 100%, जिसका कोई साइड इफेक्ट बच्चे में देखने को नहीं मिलता था। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो कि है स्वर्ण पराशन और अमृत पराशन, दो इसके नाम हैं। ये ब्रांड का नेम नहीं है, प्रोडक्ट नेम है। जो ब्रांड नेम है यहाँ पर वो है गोधुली, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक गौशाला है, उसका प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो वैक्सीनेशन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, इसका जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके का है। आप दोनों देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों दिखने में एक जैसी लगती हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है स्वर्ण पराशन, जो कि बेस्ड है गोल्ड के ऊपर, इसमें गोल्ड की भस्म जो होती है, स्वर्ण भस्म जो होती है, वो इंक्लूडेड होती है हनी के साथ में, और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन इंक्लूडेड होती है। दूसरा है अमृत पराशन, जो कि है चांदी की जो भस्म होती है वो इसमें इंक्लूडेड होती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोने और चांदी की भस्म इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी मतलब क्वांटिटी में है, तो आप कहेंगे कि ये मतलब इतना सस्ता कैसे आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, स्वर्ण आपके बॉडी में जितना रिक्वायर्ड होता है उतनी ही क्वांटिटी इसमें मिलाई जाती है। इसका कोई नुकसान नहीं है, आप अपने बच्चों को ईजीली दे सकते हैं। डे वन से आप इस वैक्सीनेशन को अपने बच्चों को दे सकते हैं, इसका कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं है। और इसमें एक इसका जैसे बेनिफिट क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बेनिफिट हैं कि आपके बच्चों का जो IQ लेवल होगा आगे चल के वो बहुत अच्छा होगा। बच्चे कैचिंग पावर जो है बच्चों की वो बहुत अच्छी होगी, बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, सोचने समझने की बोलने की जो सामर्थ्य है वो बढ़ेगी बच्चों में, जल्दी वो हर चीज़ को कैच करेंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इन चीज़ों के। और बेसिकली जो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर्ण पराशन की, इसको कैसे देना है। इनको जो देने का प्रोसीजर है वो है कि आप इसे पुष्य नक्षत्र में दे दीजिए सुबह। बच्चा खाली पेट होना चाहिए, उसने 15 मिनट पहले कुछ नहीं खाया होना चाहिए, और इसको देने के 15 मिनट बाद ही उसको कुछ देना है, पानी, दूध, रोटी, सब्जी, एनीथिंग जो भी आप बच्चे को देते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़, और इसमें क्वांटिटी, ये जो बॉटल है वो एक महीने तक चल जाती है। और इसकी क्वांटिटी क्या देनी है, जैसे अगर 3 साल से बच्चा नीचे है तो आप उसको 2 से 2 बूंद तक दे सकते हैं, 2 से 3 बूंद, ज़्यादा नहीं देनी है। लेकिन अगर बच्चा 3 साल से ऊपर हो गया है, 3 से 5 साल के बीच में है, इसके साथ एक चार्ट आता है, एक पेपर आता है जिसपे इसका पूरा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको फॉलो करके आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और अपने बच्चों को देना शुरू करिए। उसमें 4 से 5 बूंद आप दे सकते हैं 3 साल से ऊपर वाले बच्चों को। आप देखेंगे इसको देने के बाद से आपका जो बच्चे का माइंड है वो बहुत शार्प होने लगा है, धीरे धीरे वो हर चीज़ को जल्दी जल्दी कैच करता है, बच्चा जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता। जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, वो बच्चे को नहीं होते हैं। इसमें गोल्ड की क्वांटिटी है, तो ये मॉर्निंग में देना है आपको, ठीक है। और जो ये जो चीज़ होती है अमृत पराशन, ये आपको देना है। और ये जो दोनों बॉटल्स हैं वो मंत्रों सिद्ध हैं, मतलब मंत्रों से सिद्ध की हुई है ये औषधि। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और भी बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करोगे तो इस तरीके के स्वर्ण पाराशन जो है वो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी और जो प्राइस है वो बहुत हाई होते हैं, क्वांटिटी कम होती है, प्राइस बहुत हाई होते हैं, 2000 रुपये में ऐसे कुछ उनके प्राइजेज होते हैं, 700-800। तो आप सोचेंगे ये इतना सस्ता क्यों है। बेसिकली ये जो एक NGO है वो बनाता है, और क्या है कि इन लोगों को ये जो स्वर्ण भस्म
जिस्म है और ये सब चीजें हैं वो जैसे कि दान में नहीं आता है कि किसी ने इस चीज को दान किया है उनके लिए, कि बच्चों को होता है ना कई लोग अपने मतलब एज ए चैरिटी करते हैं, तो वो चीज इनको मिली है उसके थ्रू ये चीजें वो लोग मेडिसिन बना रहे हैं मतलब लोगों में आयुर्वेद की जागरूकता फैलाने के लिए, तो ये इसलिए आपको इतने नॉर्मल कॉस्ट पे मिल जाती है। इस जो इसकी प्राइस है वो भी 200 रुपये है, और इसे भी देने का प्रोसीजर सेम है, इसको शाम को आपको देना है उसको डोज बच्चे को, 15 मिनट पहले कुछ नहीं खाया होना चाहिए, 15 मिनट बाद कुछ नहीं खाना होना चाहिए इसको लेने के बाद भी। तो बच्चे को आप ऊपर से ड्रॉप दे सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पोलियो की दवाई पीते थे, तो 2-3 बूंद आप दे सकते हैं, 3 साल से ऊपर है तो 4-5 बूंद आप दे सकते हैं। इसमें चांदी की मात्रा है, इससे बच्चे का जो दिमाग है वो थोड़ा शांत रहता है, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर जब अग्रेसिव हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो चीज़ें ये नॉर्मल करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसको देने के लिए आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके की आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं, सपोज बच्चा बीमार हो गया कोई रीज़न से, उसको फीवर हो रहा है या कुछ है, आप कुछ और उसको मतलब इंजेक्शन दिलवा रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं एलोपैथी की, उस दिन आपको फिर ये चीज़ नहीं देनी है बच्चे को, आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। या बच्चे के आपके वैक्सीनेशन चल रहे हैं, आपको एवरी 6 मंथ में कोई ना कोई वैक्सीनेशन बच्चे को दिलवानी होती है, तो 6 महीने पर अगर बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं, आज वैक्सीनेशन डे है, तो आज के दिन आपको फिर ये चीज नहीं देनी है। तो मतलब किसी भी दिन जिस दिन बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवाएंगे एलोपैथी के साथ में इसको मैच नहीं करना है, ये आप अपना हमेशा ध्यान रखेंगे। और क्या करना है आपको, आप ट्रेवल फ्रेंडली है, ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं इसको, आप 15 ईयर्स तक बच्चे को दे सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स आपको मतलब थोड़े ही टाइम में देखने को मिलेंगे। हमें लगता है ना कोई चीज़ हम लोग दे रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा, लॉन्ग टर्म में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं उनका बहुत अच्छा बेनिफिट निकल के सामने आता है, बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल जो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, थोड़ी सी चीज़ को लेकर गुस्सा होना बहुत जल्दी जल्दी, बच्चों का माइंड इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, और चीज़ों में दिमाग ज़्यादा होता है, पढ़ाई लिखाई में कम होता है, तो ये चीज़ें उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करती है। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चे को हमेशा दें, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर छोड़ दूंगी, आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए खरीदें। Day 1 से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, 15 साल तक आप अपने बच्चे को ये चीज़ दे सकते हैं, आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप इनके नियर बाय सेंटर्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी ये चीज़ मंगवा सकते हैं, और अपने मतलब जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं कुरियर वगैरह के वो आपके बच जाते हैं फिर, तो अब आप नियर बाय सेंटर्स भी सर्च कर लीजिएगा इनके, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन तो फिर मंगवा ही सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।